28 साल के प्रांशु कांठेड़ अमेरिका की कंपनी में 25 करोड़ के पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट थे। अचानक सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ देवास आ गए। आज यानी सोमवार को जैन संत बनेंगे। उन्हें प्रवर्तक जितेंद्र मुनि जी दीक्षा देंगे। हॉट पिपलैया में आयोजित दीक्षा समारोह में प्रांशुक के साथ उनके मामा के बेटे एमबीए पास थानदल के रहने वाले मुमुक्ष पवन कासवा दीक्षित भी संयम पथ पर चलेंगे। देवास के हॉट पिपलैया निवासी प्रांशुक के पिता राकेश कांठेड़ कारोबारी हैं। अब उनका पूरा परिवार इंदौर में रहता है। पिता राकेश ने बताया कि प्रांशुक ने इंदौर के GSITS कॉलेज से BE की। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चला गया। MS करने के बाद प्रांशुक ने अमेरिका में ही 2017 में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसका सालाना पैकेज 25 करोड़ रुपए था। विदेश में रहने के बाद भी वह गुरु भगवंतों की किताबें पढ़ता रहा। वह इंटरनेट के माध्यम से उनकी प्रवचन सुनता रहा। नौकरी से मोह भंग होने पर जनवरी 2021 में नौकरी छोड़कर घर लौट आया। घर में प्रांशुक की माँ और उसका एक छोटा भाई है। पिता ने बताया कि प्रांशुक का झुकाव बचपन से ही धार्मिक कार्यों की ओर रहा। 2007 में वह उमेश मुनि जी के संपर्क में आया। उनके विचारों से प्रभावित होकर उसे वैराग्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिली। तब गुरु भगवंत ने उन्हें संयम पथ के लिए पूर्ण योग्य नहीं माना। इसके बाद उसने धार्मिक कार्यों के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 2016 में एक बार फिर पढ़ाई के दौरान वैराग्य धारण करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन गुरुदेव ने और योग्य होने की बात कही। इसके बाद वह अमेरिका चला गया। 2021 में एक बार फिर उसे वैराग्य धारण करने का संकल्प लेकर अमेरिका से नौकरी छोड़कर भारत आ गया। इसके बाद गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहने लगा। गुरुदेव द्वारा इस मार्ग के योग्य मानने पर प्रांशुक ने माता पिता से वैराग्य धारण करने की बात कही। माता पिता ने एक लिखित अनुमति गुरुदेव जितेंद्र मुनि जी को दे दी। देश के अलग अलग कोने के हॉट पिपलैया में जैन संत आएंगे, जिनके सानिध्य में बेटा दीक्षा ग्रहण करेगा। दीक्षा ग्रहण करने के बाद प्रांशुक सोशल मीडिया के साथ अपने घर तक किसे दूर हो जाएगा। जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। मुख्य दीक्षा समारोह में तीनों मुमुक्ष भाइयों की यात्रा निकालकर कृषि उपज मंडी प्रांगण स्थित दीक्षा महोत्सव पंडाल पहुंचेगी, जहां प्रवर्तकों में जितेंद्र मुनि जी हजारों जन समुदाय की उपस्थिति में तीनों मुमुक्ष आत्माओं को दीक्षा अंगीकार करवाएंगे। इस दौरान 53 संयमी आत्मा का पावन सानिध्य रहेगा।